देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली डीएलएड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। इसका एडमिशन फ्रेंड्स ऑलरेडी 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लगभग 20 अगस्त तक होगा इसका एडमिशन। तो फ्रेंड्स, कैसे इसमें एडमिशन होगा और कौन एडमिशन ले सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ये सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन आपने आपका मान लीजिए कॉलेज में नाम आया था, किसी का कॉलेज में नाम आया ही नहीं होगा, ना तो प्राइवेट में और ना ही गवर्नमेंट में। किसी का प्राइवेट में आया होगा लेकिन वो चाहते थे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उनका गवर्नमेंट में लास्ट किसी भी लिस्ट में नहीं आ पाया। अब वो चाहते हैं कि मेरा प्राइवेट में एडमिशन हो जाए, तो क्या आप ले सकते हो एडमिशन? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, तो क्या ये भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं? ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा ही नहीं था, एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं था, क्या वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है? तो देखो फ्रेंड्स, आपने पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने फॉर्म भरा था, एंट्रेंस एग्जाम दिया था, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, किसी भी रीजन से आपने एडमिशन नहीं लिया, ओके फ्रेंड्स, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, तो देखिए दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, जो मान्यता प्राप्त है, तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो सारा लिस्ट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप जहां पर रहते हो दिल्ली में, उसके आसपास में कौन सा कॉलेज है प्राइवेट का, गवर्नमेंट में नहीं होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, ओके, प्राइवेट में होता है, तो आपके आसपास में कौन सा कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, आप दिल्ली डीएलएड सर्च कीजिए कॉलेज लिस्ट और आ जाएगा कॉलेज लिस्ट, और वहीं पर आप चले जाइए, तो 20 अगस्त से पहले चले जाइएगा। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि ये जो एडमिशन होता है ये एससीईआरटी खुद करवाता है, तो इसमें कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। अब फीस की बात करें तो कोई 1.5 लाख मांगता है, कोई 1 लाख रुपये में भी एडमिशन करा ले हो जाता है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 तक पर भी अगर हो जाएगा आपका एडमिशन, 1 लाख पर भी, तो आप करवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे फीस अगर देखा जाए नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज की, जिसका ऑनलाइन के थ्रू काउंसलिंग में नाम आ जाता है या वैसे ही फर्स्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो उनका तो फ्रेंड्स 75,000 रुपये लगता है प्राइवेट कॉलेज की, लेकिन 1-1.5 लाख तक हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो ये सीटें दोस्तों उसी स्टूडेंट के लिए, मतलब ये सीटें खुद प्राइवेट कॉलेज वाले रिजर्व रखते हैं ताकि वो पैसा ले सके, ज़्यादा कमा सके, ये होता है 4-5 सीटें हर कॉलेज में होती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, तो इसके रिगार्डिंग मुझे कन्फर्म नहीं है फ्रेंड्स कि वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, तो आप लोग एक बार कॉल करके पता कर लो, कॉलेज का एड्रेस गूगल पे सर्च करो और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, कॉल कर लीजिएगा या डायरेक्ट जाकर पता कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो 20 अगस्त से पहले ही आप चले जाइएगा और पता कर लीजिएगा ताकि आपका एडमिशन हो जाए, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में।